यूपी के बधोई में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को आतंकवाद विरोधी दिवस पर पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह द्वारा शपथ दिलाई गई। वर्तमान में फैली वैश्विक महामारी नोवेल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज शुक्रवार को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के कर्मचारीगण द्वारा पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ही किया गया। पुलिस अधीक्षक बधोई द्वारा शपथ पत्र को पढ़ा गया और सभी ने उसे दोहरा कर अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। पुलिस अधीक्षक श्री रामबदन सिंह ने शपथ पढ़कर सुनाई। भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में विश्वास रखते हैं। निष्ठता पूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करें और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुँचाने वाली और विघटनकारी सैन्य की भी शपथ लेते हैं। मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।